आज हम बात करेंगे सिरकेडियन रिदम के बारे में। सिरकेडियन रिदम क्या होता है और इसका ताल्लुक वेट लॉस से किस तरीके से है और ओबेसिटी से हम किस तरीके से बच सकते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम सिरकेडियन वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं कि सिरकेडियन का क्या मतलब होता है। तो सिरका मीन्स होता है नियर अबाउट और डियान मीन्स होता है 24 आवर्स, यानी एक ऐसी साइकिल जो 24 आवर्स की होती है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो सिरकेडियन का मतलब होता है कि एक रिदम जो कि रिपीटेडली रिपीट होते रहती है। 2017 में 3 साइंटिस्ट को अपनी इन्वेंशन जो कि फिजिक्स या मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये नोबेल प्राइज इनको सिरकेडियन रिदम पर रिसर्च को आगे बढ़ाने की वजह से दिया गया था। तो ऐसी क्या रिसर्च किए थे उन्होंने जिसकी वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, इसी पर हम बात करेंगे। 19 सेंचुरी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मानी जाती थी वो अराउंड 47 इयर्स की रहती थी। इसका रीजन होता था मेजर इलनेसेस जो कि इन्फेक्शन की वजह से होते थे और इसका जो कॉज होता था वो माइक्रोब्स होते थे। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन किया और वैक्सीन का इन्वेंशन किया। इसके अलावा सैनिटाइजेशन पर यानी हाइजीन को मेंटेन करने पर भी ध्यान दिया। अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 80 इयर्स तक के मानी जाती है। आज के दौर में बैक्टीरिया वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां तो मौजूद ही है, लेकिन ऐसी बीमारियां भी है जो कि बैड लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और यहां तक के कैंसर भी। और इसका क्योर जो है वो रेयर है, जब तक कि हम अपने मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई ना करें। अच्छा, अब लाइफस्टाइल का जिक्र इतने बार आ रहा है तो हम पहले लाइफस्टाइल को डिफाइन करेंगे कि लाइफस्टाइल क्या होता है। तो लाइफस्टाइल को हम सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच वी ईट, स्लीप एंड मूव ऑन अ डेली बेसिस। हम क्या, कब और कितना सोते हैं, खाते हैं और मूवमेंट करते हैं डेली बेसिस पर, इस तरीके से हम सिंपली लाइफस्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट वी ईट वी नो, हाउ मच वी ईट वी आल्सो नो। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और इसका हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, हम ये जानते हैं। अगर हम अनहेल्दी खाएं तो हम डाइट को हेल्दी कर देते हैं और अपने डाइट में वेज को ऐडअप कर लेते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सके। और मूवमेंट के लिए हम जो है 10,000 स्टेप्स भी चल लेते हैं ताकि हम अपनी स्टाइल को सही कर सके। तो ये तो आंसर हो जाते हैं व्हाट और हाउ मच के ताल्लुक से, लेकिन व्हाट अबाउट When? टाइमिंग का इम्पोर्टेंस इसमें इतना ज़्यादा क्यों है, हम टाइमिंग पर इस बार इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारी क्लॉक है, हमारे ब्रेन में एक क्लॉक पाई जाती है, इस क्लॉक को हम कहते हैं सिरकेडियन क्लॉक, यानी एक ऐसी क्लॉक जो 24 आवर्स तक के रहती है जो कि हमारे ब्रेन में होती है। अब ये क्लॉक किस तरीके से वर्क करती है ये भी हम जानेंगे। पहले हम बताएंगे एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर हमें किसी डार्क रूम में लॉक कर दिया जाए जहाँ पर क्लॉक यानी वॉच के लिए एक्सेस ना हो और हम ये देख ना पाए कि अभी क्या टाइम हो रहा है। इस तरीके से एक डार्क रूम में जहाँ क्लॉक मौजूद भी नहीं है, लॉक रहने के बावजूद हमारे बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। वो नेचुरल मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे ही रात के 8 बज जाएंगे हमारे को स्लीप का एहसास होना शुरू होगा और जो है हमारा मेलाटोनिन लेवल राइज अप होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है कूल डाउन होगा और 10 बजे तक के हमें नींद आ जाएगी। रात के 2 बजे तक हम गहरी नींद में जाएंगे, सुबह के 4 बजे जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू होगा और सुबह 6 बजे जो है हमारी आंख खुलेगी या फिर हमारा अलर्टनेस लेवल हाई होगा। ये अलर्टनेस लेवल हाई कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह से होना शुरू होता है और इसमें फिर मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होने लगता है। जैसे ही दोपहर के 2 बजेंगे हमारा ब्रेन परफॉर्मेंस और जैसे ही दोपहर के 4 बजेंगे हमारा मसल परफॉर्मेंस पीक लेवल पर होता है। इसी तरीके से जब शाम के 6 बजेंगे तो हमारे बॉडी की एक्टिविटी स्लो डाउन होती है और ये साइकिल वापस से शाम के 7 और 8 बजने के बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है और इस तरीके से हमारा ये 24 आवर्स का साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल जो है हमें हेल्प करता है स्लीप में, न्यूट्रिशन में और फिजिकल एक्टिविटी में। ये जो
तीनों भी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ है, ये राइट टाइमिंग में होना ज़रूरी होता है। अगर हम लेट सोना शुरू करें और बेटाइम खाना शुरू करें और यहाँ तक कि कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये क्लॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। और इस क्लॉक के ब्रेक डाउन होने की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज में सफ़र होना शुरू होते हैं। इन डिजीजेज में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो एस्थमा है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, यहाँ तक कि डायबिटीज़ है, और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर के अलावा कैंसर जैसी बीमारियों में भी हम सफ़र कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज हाउ दिस सिस्टम वर्क। सवाल ये आता है कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। जैसे ही ब्राइट लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो ये सिग्नल्स डायना के जरिए हमारे ब्रेन क्लॉक तक के पहुंचाए जाते हैं। हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोनल सिग्नल्स रिलीज किए जाते हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक जाते हैं, और वाइटल ऑर्गन्स हमारे सेल्स तक के इन सिग्नल्स को लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में भी सर्कैडियन क्लॉक पाई जाती है। ये क्लॉक सिंक्रोनाइज होती है हमारे वाइटल ऑर्गन से, और ये वाइटल ऑर्गन सिंक्रोनाइज होते हैं हमारे ब्रेन से। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इन हार्मोनल सिग्नल्स की वजह से डेली रिदम्स प्रोड्यूस होती है। ये डेली रिदम्स हमारे फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग ये है कि हम विंटर के शॉर्ट डेज से समर के लॉन्ग डेज में जब ट्रांसफर होते हैं तब भी हमारी ये जो सर्कैडियन क्लॉक है ये अपने आप को सेट कर लेती है। इसी तरीके से हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में भी ट्रैवल करें तो कुछ ही दिनों के अंदर हमारी ये जो क्लॉक है अपने आप को रीसेट कर लेती है, और जेट लैग की प्रॉब्लम से हमें ये बचाती है। यहाँ तक के ब्लाइंड पीपल में भी ये क्लॉक पाई जाती है और ये अपने आप को सेट और रीसेट करते रहती है। इसमें हैरान करने वाली चीज़ ये होती है कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर जो इस चीज़ को सेंस करती है, जो ये समझती है कि जैसे ही दिन बदलते हैं, जैसे ही प्लेस और टाइम जोन बदलते हैं, तो कैसे क्या अपने आप को ये बॉडी सेट कर लेती है। तो 1966 में साइंटिस्ट ने ये पाया कि हमारी जो आंखें हैं, आंखों के रेटिना में कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स ब्लू लाइट सेंसिंग न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि एक तरीके का एक प्रोटीन ही होता है जिसे हम मेलानोप्सिन कहते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है, यानी कैंडल लाइट हो या फिर मून लाइट हो, तो मेलानोप्सिन का सिक्रीशन जो है वो कम होने लगता है, और मेलाटोनिन का सिक्रीशन ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप को इंड्यूस करने में, स्लीप को, नींद को आने में मदद मिलती है। जैसे ही सुबह हो जाती है तो ब्राइट लाइट के आंखों में पड़ने की वजह से मेलानोप्सिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है, और बॉडी में हाई अलर्टनेस लेवल होता है, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन है होता है ये डिप्रेशन कम होने लगता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता रहता है। क्योंकि 1879 से पहले थॉमस एडिसन ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। हम लोग जो है शाम होते ही घर में जाते थे और लाइट नहीं होता था तो हम जो है रात में अपने घरों पर सो जाया करते थे। लेकिन जब से थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, जिसकी वजह से जो है हम रातों में भी जागने लगे, लेट सोने लगे और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में अपनी रातों को बिताने लगे, जिसकी वजह से ब्रेन को ये कन्फ्यूजन होने लगा कि अभी भी रात नहीं हुई है और वो मेलानोप्सिन का सिक्रीशन फिर भी जारी रखते थे, जिसकी वजह से ब्रेन जो है मेलानोप्सिन को एक्टिवेट कर देता है और मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ना चाहिए था नींद के आने के लिए, लेकिन ये उल्टा घटने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी स्लीप में डिसरप्शन होता है और हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट फॉर विजन इज नॉट लाइट फॉर हेल्थ। मतलब ये कि हम देखने के लिए इन ब्राइट लाइट्स को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए हर टाइम के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो इंजीनियर्स ने इस थ्योरी के जरिए से लाइटिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। यानी कि ऐसे लाइट लेकर इंजीनियर्स आए जिसके जरिए से जो इसका ब्राइटनेस है, जो ये ब्लू लाइट है, इसको वो कम कर सके, और सर्कैडियन टाइप्स ऑफ लाइटिंग का इन्वेंशन इन इंजीनियर्स ने किया। यहाँ तक के बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अपने स्मार्टफोन्स और
और लैपटॉप में भी इस तरीके के स्क्रीन्स देने लगे जो ऑटोमेटिकली अपने ब्राइटनेस को और अपने कलर को एडजस्ट करते थे ताकि हमारी आंखों को इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके। Now let's come to the most important topic, that is obesity and how can we weight loss. So let's begin it. हम जानते हैं जो लोग लेट सोते हैं या कम सोते हैं उनको बीमारियां होने लगती है। हम जब ब्राइट लाइटेड सिटीज में देखते हैं, ब्राइट लाइटेड होम्स में देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि लोग वहाँ पर अपने स्मार्टफोन से स्टिक रहते हैं और इसी के साथ साथ वो खाने भी लग जाते हैं। खाने इसलिए लग जाते हैं कि जैसे जैसे लेट नाइट होने लगती है तो उनको भूख का एहसास और बढ़ने लगता है और वो फिर मोबाइल या टीवी या लैपटॉप से स्टिक रहने के बावजूद उनको भूख के एहसास की वजह से वो फिर कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक के आँखें खुली रहेगी तब तक मुँह भी खुला रहेगा। इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि चलो हमने ये तो देखा है कि नहीं सोने की वजह से या कम सोने की वजह से सर्कैडियन रिदम पर क्या असर होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि सर्कैडियन रिदम का असर लेट नाइट भी खाने की वजह से क्या होता है। नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही हम सुबह का मील लेते हैं तो हमारी बॉडी कार्ब्स को बर्न करना शुरू करती है और फैट को जो है वो स्टोर करने लगती है। ये प्रोसेस लंच में भी रहता है और ये प्रोसेस शाम होने तक के भी इसी तरीके से शुरू रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, डिनर का टाइम होने लगता है, तो हमारी बॉडी कार्ब्स के बर्न करने के प्रोसेस पर स्लो हो जाती है और फैट को बर्न करना शुरू करती है और ये सारा प्रोसेस पूरी रात तक के शुरू रहता है। चाहे हम कुछ एक्टिविटी करें या ना करें, हमारी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू रखती है क्योंकि हम रात में जगना शुरू हो जाते हैं और जगने की वजह से फिर हम कुछ खाना भी शुरू कर देते हैं। इस तरह खाने के नतीजे में होता यह है कि जो हमारी इंटेस्टाइनल बाउल मूवमेंट्स जो स्लो डाउन हो जाती है, वो बाउल मूवमेंट्स को वापस से काम करना शुरू करना पड़ता है क्योंकि अब हमें डाइजेशन करना होता है जो फूड हमने लिया है। तो होता यह है कि जहां बॉडी ने कार्ब्स को अब स्टोर करना शुरू करना चाहिए था और फैट को बर्न करना शुरू करना चाहिए था, बॉडी वापस से फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है और हमारा जो फैट लेवल है बॉडी में वो बढ़ने लगता है। इस तरह फैट के बढ़ने की वजह से जो हमारा वेट है वो गेन होने लगता है। जहां हमारा वेट लॉस होना चाहिए था, शाम का जो है डिनर के बाद खाना बंद करने की वजह से हमारे फैट को बर्न होने का प्रोसेस शुरू होना चाहिए था और हमारा बॉडी वेट वैसे कम होना चाहिए था, तो इसके बावजूद हमारा बॉडी वेट बढ़ने लगता है और इस तरीके से हमें ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो 15 घंटे तक अपने जो है खाने के प्रोसेस को शुरू रखते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से ओबेसिटी का शिकार होते हैं और ना सिर्फ ओबेसिटी बल्कि बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस का भी शिकार होने लगते हैं। अब साइंटिस्ट ने ये तो समझ लिया कि सर्कैडियन रिदम के ब्रेकडाउन होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। अब साइंटिस्ट के दिल में ये ख्याल आया कि इज़ इट अ वाइल्ड थॉट और इज़ इट अ रियल स्टोरी और देयर इज़ सम रियलिटी। फिर साइंटिस्ट अपनी लैब में पहुँचे और लैब में पहुँचने के बाद इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश की, जिसके लिए साइंटिस्ट ने दो माउस के ग्रुप बनाए और इन माउस में ऐसे माउस लिए जो सेम पेरेंट से बॉर्न हो, जो सेम एज के हो और जिनको सेम रूम में रखा गया, लेकिन एक ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कैलोरीज दी गई जो कि एक फिक्स टाइमिंग में खाना दिया गया और दूसरे ग्रुप को भी सेम नंबर ऑफ कैलोरीज दी गई लेकिन को अराउंड द क्लॉक यानी कि रैंडम टाइमिंग में उनको खिलाया गया और ये एक्सपेरिमेंट उन पर 18 वीक्स तक के कंटिन्यू रखे और इस दौरान भी उनका वजन लेते रहे और उनकी हेल्थ चेकअप और उनके टेस्ट वगैरह बॉडी में करते रहे। तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि वो माउस जो बेड टाइम खाते थे उन माउस में ओबेसिटी आने लगी और उनमें बहुत सारी बीमारियां भी होने लगी, जबकि जो दूसरा ग्रुप है माइस का उन्होंने ये पाया कि उनका बॉडी वेट 28% कम हुआ और ये बॉडी वेट कम होने की वजह जो 70% फैट बर्न है उसकी वजह से उनमें ये देखा गया। ये एक और नई साइंटिफिक रिसर्च साइंटिस्ट लोगों के सामने आई।
एंड दिस इज ऑल्सो लाइक आई ओपनिंग स्टडी. पिछले कई डेकेड से न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हमें ये सिखाते हैं कैलोरीज को काउंट करो, अपने कार्ब्स को, प्रोटीन को और फैट को डाइट में उस पर ध्यान रखो. लेकिन डिस्कवर्ड ये हुआ कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं के अलावा हम कब खा रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी मैटर करता है. यहाँ तक के साइंटिस्ट लोगों ने ये भी किया कि माइस के ग्रुप को हाई कार्ब्स और हाई ग्लूकोज और हाई फैटी डाइट भी देना शुरू किया. यहाँ तक कि इस तरह भी किया कि हफ्ते में एक दिन जो है वीकेंड ऑफ की तरह उनको ज़्यादा क्वांटिटी में अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट भी दी, लेकिन 8 to 12 आवर्स के फिक्स टाइमिंग में उनको दिया, तभी भी रिजल्ट सेम आने लगे. इससे हमें ये समझ में आया कि माइस का वो ग्रुप जिनको 8 से 12 घंटे खाना दिया जाता था वो 16 से 18 हफ्तों में हेल्दी पाया गया, और माइस का वो ग्रुप जिनको राउंड द क्लॉक यानी 24 आवर्स में रैंडमली खाना दिया जाता था वो सिक होने लगे. और इससे दो चीज़ें भी हमें समझ में आई कि ऐसे माइस जो फैट और सिक हो, अगर उनको हम 8 to 12 आवर्स में उनका खाना दे दे और उनको 16 to 18 वीक्स तक के ये प्रोसेस करते रहे तो वो हेल्दी हो जाते हैं और उनकी सिकनेस सब चली जाती है. जबकि हम हेल्दी माइस को ले और उनको 24 आवर्स के बीच में खाना दे तो वो हेल्दी माइस भी जो है वो सिक हो जाते हैं और उनमें ओबेसिटी और बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लगती है. इन सारी एस्टोनिशिंग डिस्कवरीज से हमारे समझ में आया कि जिस तरीके से हमारी ब्रेन में एक क्लॉक है जो डे और नाइट के वर्क को सही टाइम पे करने के लिए बताती है, उसी तरीके से हमारी ऑर्गन में भी एक क्लॉक है जिसका एक डाउन टाइम होता है, जिसके लिए इन ऑर्गन्स को रेस्ट करना, रिजुविनेट करना और अपने आप को रिपेयर करने के लिए भी हमें टाइम देने की जरूरत होती है. इस रिपेयर के प्रोसेस में हमारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, हमारी जो सुपरफिशियल स्किन है उसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक कि हमारे स्टमक में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसका भी फॉर्मेशन होता है, और हमारे जो इम्यून सेल्स है उनका भी फॉर्मेशन होता है, नए जीन्स का फॉर्मेशन होता है. ये सारे प्रोसेस हमारे जो डाउन टाइम है, जो रेस्टिंग टाइम है, उस टाइमिंग में ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं ताकि हम सुबह उठ के रिजुविनेट हो सके और हमारी बॉडी अगले दिन के लिए और तैयार हो जाए. अब साइंटिस्ट ये चाहते थे कि वो ये देखे कि लोगों में सर्कैडियन रिदम का किस तरीके से असर होता है. वो ये चाहते थे कि हम देखे कि लोग किस टाइमिंग में अपने फूड को लेते हैं, और साइंटिस्ट को ये पता है कि लोगों को हर चीज़ के फोटोज लेने का शौक है, इसलिए उन्होंने एक ऐप बनाई जिसका नाम रखा माय सर्कैडियन क्लॉक, और लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि इस ऐप पर अपने फोटोज को जिस भी वक्त आप खाते हो, जो भी चीज खाते हो, उनके फोटोज हमारे इस सर्वर पर अपलोड करें. और बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को साइन अप किया और अपने फोटोज को अपलोड किया. फिर साइंटिस्ट ने उन फोटोज पर जब गौर किया और देखा लोगों के खाने के पैटर्न को यानी उनके फीडोग्राम को, तो ये पता चला कि लोग बहुत रैंडम टाइमिंग्स में खाते हैं. खासतौर पे ऐसे लोग जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं वो अराउंड 50 आवर्स तक के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. ये 50 आवर्स तक खाने वाले लोगों का नंबर्स परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 51% तक के पाया गया. हालांकि लोग ये बताने लगे कि वो बहुत हेल्दी डाइट खाते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट टाइमिंग में खाते हैं, यहाँ तक कि वीकेंड्स में तो ये टाइमिंग और भी ज़्यादा एब्रप्ट होती है. फिर साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बनाया उन लोगों का जो 15 आवर्स तक खाते हैं, उनसे ये कहा कि आपको जो भी खाना हो वो आप खाएं, लेकिन ये आपका खाना 8 से 10 घंटों में, जो आपको जो भी दिन के जो घंटे पसंद हो उन घंटों में 8 से 10 घंटों में अपने मील को जो है ख़त्म कर दे, और उनसे ये प्रोसेस 16 वीक्स तक के करने के लिए कहा. और 16 वीक बाद उनसे जब फीडबैक लिया तो उन्होंने बताया कि उनका वज़न जो है अब कम हो गया है. इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने इन लोगों को एक साल के बाद फॉलोअप करने के लिए कहा और उनसे उन
उनके डेली रूटीन के ताल्लुक से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो आज भी उस रूटीन को फॉलो करते हैं जो पहले उन्हें बताया गया था। साइंटिस्ट लोगों ने उनसे पूछा कि आज भी वो उस रूटीन को क्यों फॉलो करते हैं। उन्होंने ये बताया कि इसकी वजह ना सिर्फ लॉस ऑफ बॉडी वेट नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये भी है कि हम पूरा दिन जो है एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी स्लीप अब बेटर है और हम थ्रू आउट द डे पिनेस की फीलिंग रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ज्वाइंट पेन्स थे वो पेन भी अब रिड्यूस हो गया है, जो अब हमें जॉगिंग और वॉकिंग में हेल्प करता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें ये सिखाते हैं कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये एक सिंपल प्रोग्राम शेड्यूलिंग क्लॉक है, जो कि सिंपली इसलिए प्रोग्राम की गई है ताकि हम खाए और सोए दिन के सही वक्त में और रात के सही वक्त में। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सिक होने लग जाते हैं, बीमार होने लग जाते हैं और हम में ओबेसिटी आने लग जाती है। अब इसमें हमें फिक्र करने की बात नहीं है, वो इसलिए कि हमारी ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये रीसेटेबल है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर हम में बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस हो भी गई है तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हम हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर ले, जो सही तरीके से सोने से और 8 to 12 आवर्स में हमारे जो खाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले इन आवर्स में, और जो है हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए जिसमें हम जॉगिंग वॉकिंग को भी साथ में रखे, अच्छा सोए और 8 to 12 आवर्स या 8 to 10 आवर्स के स्पैन में इस टाइमिंग में हम अपने खाने के प्रोसेस को कंप्लीट कर दे, तो हमारी ये जो सर्कैडियन क्लॉक है वो रिसेट हम इसको कर सकते हैं। और साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि ये एक बहुत सिंपल सा नॉलेज है, अगर हम इसको स्प्रेड करें, अगर हम इसकी अवेयरनेस करें तो हम मिलियंस ऑफ पीपल को बहुत सारी जो मेजर बीमारियां है जिसमें कैंसर भी शामिल है उसके होने से हम बचा सकते हैं। यही होता है सर्कैडियन रिदम, जो कि हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।